है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको मैं लगाता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आज हम लोग जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट है उसका आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखिए, इसी विश्वास कीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर, टू इनपुट नंबर एंड इनपुट नंबर एंड चेक वेदर इट इज जीरो और नॉट। सिंपल सा क्या करना है हमें कि एक इनपुट लेना है, सिर्फ सिंगल इनपुट लेना। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तब देख लो कि वेरिएबल कितने लेने हैं, क्योंकि आप उस वेरिएबल के ऊपर ही पूरा जो है क्वेश्चन और पूरा जो है प्रोग्राम जो है डिफाइन होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बनाता हूँ, मैं प्रोग्राम हेडर फाइल बना देता हूँ, मैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इनक्लूड कॉन्वियन डॉट एच वॉइड मेन, ठीक है। मैं ले लेता हूँ इंट एक्स। देखिए, मैंने एक ही इनपुट लिए, ठीक है। अब मैं जो है स्क्रीन पर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रिंट एफ इंटर नंबर, ठीक है। ये अलग है, इंटर अलग है, नंबर है, ठीक है। इंटर नंबर मुझे पूछेगा, फिर मैं इसको रिसीव करने के लिए यानी इनपुट देने के लिए मैं करूँगा परसेंट डी एम परसेंट एक्स, ठीक है। जो मैं यहाँ पर रखूँगा वही यहाँ पर हमें रखना होगा, ठीक है। देखिए, दिखाई नहीं दे रहा था ना, देखिए क्या हमारा इंट एक्स, मैंने क्या है प्रिंट ऑफ इंटर नंबर ना स्कैन ऑफ परसेंट डी एम परसेंट एक्स, ओके। अब देखिए आगे क्या है हमारा, अच्छा इतना तो हम लोग लिख लिया है। इसके लिखने के बाद हमें क्या करना है कि अब जो है स्टेटमेंट का यानी इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है अपना वो चला देंगे, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है हम लोग चला देंगे प्रोग्राम। तो इफ अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, अगर जो भी हम नंबर लेंगे अगर वो जीरो आता है, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग प्रिंट ऑफ करेंगे, प्रिंट ऑफ जीरो, क्या होगा हमारा जीरो आएगा। ऐसा नहीं, आप जीरो की जगह कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर आप अगर एक्स की जगह पर लेते हैं जीरो, अब जैसे कि यहाँ पर जीरो ले लेंगे तो जीरो ही प्रिंट करना चाहिए ना, तब आपको समझ में अच्छा से आएंगे, ठीक है। एल्स में क्या होंगे, प्रिंट ऑफ प्रिंट एफ नॉट जीरो, नॉट जीरो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लगा दीजिए गेट सी एच, गेट सी एच, ये हो गया आपका फ्लावर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा कि ये जो हमको लिखा हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है, एक्स इक्वल इक्वल जीरो, आपने एक्स के स्थान पर जो है जीरो ले लिया, ठीक है, एक्स इक्वल टू आपने जीरो ले लिया, ठीक है। तो आपका कौन सा ब्लॉक काम करेगा, तो आपका इफ ब्लॉक काम करेगा। इसको कहते हैं इफ ब्लॉक, क्योंकि आप इफ के अंदर आ रहे हैं, और इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं एल्स ब्लॉक, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए ये जो लिखा हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका ये इफ ब्लॉक काम करेगा। अगर ये फॉल्स हो गया बाय मिस्टेक, या बाय चांस अगर ये जो है फॉल्स कर गया, तो कौन सा काम करेगा, इल्स ब्लॉक काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आया। जैसे कि देखिए, अगर आप एक्स इज इक्वल टू जीरो डालते हैं, ठीक है, तो कौन सी ब्लॉक काम करेगी, ये ब्लॉक काम करेगी, इफ ब्लॉक काम करेगी। अगर इफ ब्लॉक काम करेगी तो आपको जीरो प्रिंट करेगी। आउटपुट में आपको क्या आएगा, देखिए मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ। देखिए आपका आउटपुट आएगा,
आपको जो है आउटपुट आ जाएगा जीरो। किसके केस में? जब आप इंटर क्या करोगे, जीरो इंटर करोगे, ठीक है। अगर आप इंटर करते हो दो, तब तो क्या आएगा आउटपुट की रिजल्ट में, आउटपुट क्या आएगा आपका, तो आउटपुट आपका आ जाएगा नोट जीरो। क्या जाएगा? नोट जीरो, नोट जीरो, ये आपका आएगा, ठीक है। अब क्यों ऐसा बताते हैं आपको, देखिए ड्राइवर ने आपको सब समझाया, आपको एक बार समझा दिए, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको कि आपने अगर यहाँ पर जो है एक्स के जगह पर दो लिख लिया, एक्स इक्वल टू ले लिया, तो क्या टू बराबर है जीरो का? तो कभी नहीं, ये तो कभी हुआ नहीं है, नहीं आगे होगा, ख़त्म, बात ख़त्म। तो इसको क्या कहते हैं? फॉल्स, ठीक है। तो अगर ये अगर फॉल्स हो गया, तो आपको मैं क्या बताया हूँ कि अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट करेगा? नॉट जीरो, यानी इल्स के जो है ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर एक सीज इक्वल टू आपने जीरो डाल दिए, ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू है। किसे ट्रू है? क्योंकि देखिए एक्स इज इक्वल टू मेरा ट्रू है। अगर एक्स का वैल्यू अगर आप जीरो डालते हैं तो वो तो ट्रू हो जाएगी। तो अगर ट्रू हुआ, अगर आपका ट्रू हुआ, तब आपका ये काम करेगा, यानी इफ ब्लॉक काम करेगा। बात समझ में आई? बस यही सिंपल सा जो आपका जो है प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।